अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हैदर अली होठी और आजकल हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म पे। तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेटिज्म एक थ्योरी है, वेबर एंड इविंग्स मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आज हम उस थ्योरी को देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। वेबर फाउंड इट इन 1852, कहता है वेबर ने इसको 1852 में डिस्कवर किया था, 1852 में इसके बारे जाना था। कहता है फर्दर डिवेल्प्ड बाय इविंग इन 1890, कहता है उसमें फिर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो 1890 में इविंग ने की थी। अब देख लेते हैं इस थ्योरी कहती क्या है। कहता है दिस थ्योरी स्टेट्स दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस आर इनहेरेंटली मैग्नेट्स इन देमसेल्व्स, ईच हैविंग एन एंड एस पोल। कहता है तमाम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अपने आप में एक मकम्मल मैग्नेट होते हैं और वो एन और एस पोल रखते हैं। आपको पता है मैग्नेट में दो पोल नॉर्थ और साउथ होते हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, कहता है तमाम सब्सटेंस की जो मॉलिक्यूल हैं आर इनहेरेंटली मैग्नेट्स इन देम सेल्व्स, कहता है अपने आप में वो एक मकम्मल मैग्नेट होते हैं, मकम्मल मकनातीस होते हैं। ईच हैविंग एन एंड एस पोल, कहता है हर एक का एन और एस पोल मौजूद होता है, यानी वो मुकम्मल मैग्नेट होते हैं। मजीद वो इसमें बात करता है कि जो अनमैग्नेटाइज्ड जो मटेरियल है, जो अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है जिसको मैग्नेटाइज नहीं किया गया, कहता है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके एन और एस पोल मौजूद होते हैं, जैसा कि थ्योरी में ऊपर बयान किया है। कहता है कि एक अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एक इतफाकिया शक्ल में बिखरे होते हैं, उनके एन और एस पोल मौजूद होते हैं और एन और एस पोल मौजूद होने की वजह से वो तकरीबन क्लोज्ड लूप में होते हैं और आपस में जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो तकरीबन इक्वल होती है, इसलिए ओवरऑल सब्सटेंस पे कोई मैग्नेटाइजेशन मौजूद नहीं होती। कहता है कि एन पोल और एस पोल की आपस की फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो टोटल फोर्स है वो ज़ीरो होती है, ओवरऑल टोटल फोर्स जो सब्सटेंस पे होती है वो ज़ीरो होती है और सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज होता है, उस पर कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होती। और जब उस अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है तो वही जो मॉलिक्यूल्स बिखरे थे वो एक अलाइनमेंट में, एक सीधी लाइन में होना शुरू हो जाते हैं और अपने एक्सेस के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। कहता है जब उसी अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है तो वो मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक सीधी लाइन में होना शुरू हो जाते हैं। कहता है ओरिएंटेड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कहता है जो मैग्नेटिक फोर्स उन मॉलिक्यूल्स पे लगती है वो उसके पैरेलल एक सीधी लाइन में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो अनमैग्नेटाइज्ड जो सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आके मैग्नेटाइज्ड होना शुरू हो जाता है। ये वेबर और इविंग की मॉलिक्यूलर थ्योरी थी। इस थ्योरी के मुताबिक हर सब्सटेंस का हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक मकम्मल मैग्नेट होता है जो कि एन और एस पोल रखता है।